अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। हाँ जी, वी जस्ट बैकपैक ऑलरेडी एंड लीविंग टू अनदर सिटी। We are going to another city, right? Yeah, we are going to another city. Don't know which one. Yeah, we don't know yet which one. So, guys, we will let you know later, okay? तो भाई अभी कुछ डिसाइड नहीं किया हम लोगों ने कहाँ जा रहे हैं, लेकिन पहले कॉफ़ी लेनी है, उसके बाद हमने डिस्कस करना है कि किस जगह पे जाना है। बट इज़ द टाइम नाउ 10:30 हो चुके हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग ऑफ बतूमी। तो भाई ये कल तो पूरा दिन बारिश होती रही है यहाँ पे, हम कहीं नहीं कुछ नहीं कर सके, बस ब्रेकफास्ट और डिनर ही हुआ और पूरा दिन हॉस्टल में गुजर गया। तो आज एक नया सफ़र, नई मंजिल शुरू होने वाली है। तो भाई दिखाते हैं आपको फिर क्या होता है, कैसे होता है। फ़िलहाल तो निकले हैं हॉस्टल से बैकपैक करके। देखिए ज़रा, भाई साहब ने भी बैग लगाया हुआ है, हमने भी, हमारा तो छोटा है बैग। तो चलिए थोड़ा सा नज़ारा पार्क आपको दिखाते हैं, कैसी लुक है देखिए। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है, लेकिन चलिए जल्दी जैसी भी है तो मॉर्निंग अभी तक नहीं। भाई ये यहाँ के सुबह के नाश्ते के लिए बेकरीज वगैरह में वैसे जॉर्जिया बड़ा मशहूर है, तो ये बाज़ार की लुक थोड़ी ले लो आप लोग। ये बतूमी की गलियां हैं, ये होटल देख करो जी। भाई साहब मुझे पूछ रहे थे कि भाई वो चेकिंग करते हो कि नहीं करते हो, मैंने कहा भाई हमने तो नहीं ट्राई की। कहता है मैंने तो 2-4 कंट्रीज बुक की है। ये भाई साहब ये घूमते रहते हैं, हॉस्टल में रुकने का भाई यही मज़ा होता है कि आप तरह तरह के लोगों से मिलते हो, किसी के साथ चल पड़ते हो, उनके एक्सपीरियंस से आपको फ़ायदा होता है। This is coffee shop? No? No, it's a restaurant, I think. Fish? Yeah. It's like fish shawarma. There is fish shawarma as well here? Not sure. I've never tried. Because it looks like shawarma and there is a fish, so it means that's a fish shawarma. But last night I eat there in Turkish restaurant. It was not, normal is next to our hostel, but I enjoy the food. I was very hungry. तो भाई ये गलियां और बाजार हैं क्या? It's like best place for finding coffee. Ah, okay. But I think our destination right now is bus station. It's not really far from us, maybe 10 minutes. Right. So you mean we can try coffee over there? So let's heading to the bus stop. Yeah. Bus station on that side. So we need to jump the road. Yeah. Okay. There is a signal close by.
भाई ये हम गलियों के बारे यहाँ के देख सकते हो आप। ये बतूमी शहर की सड़कें, the people are very helpful here when we are crossing the street. They stop immediately, even signal is green or red. Yeah, I really appreciate for those kind of stuff. You know, in Georgia I forget there is a car on the street as well. You know what I mean? Yeah. तो भाई यहाँ यहाँ पे लोग बड़े helpful हैं। जब भी आप सड़क पर रोड क्रॉस करने लगते हो गाड़ी रोक लेते हैं, तो भाई पहले आप गुजरो फिर मैं गुजर जाऊँगा, इस तरह का उनका बिहेवियर है। तो वैसे भी ये लोग बड़े हेल्पफुल हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, मतलब कि किसी को कोई प्रॉब्लम उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, चाहे उनको लैंग्वेज आती है चाहे नहीं आती है, उनकी पूरी कोशिश होती है सपोर्ट करने की, हेल्प करने की। तो भाई मैं तो रेकमेंड करूँगा कि जॉर्जिया इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन टू ट्रैवल। मोस्टली जो लोग GCC में रहते हैं या दुबई में रहते हैं, UAE में रहते हैं, उन तो लोगों के लिए इससे बेस्ट प्लेस। और बतूमी का सेपरेट एयरपोर्ट है भाई, अगर आप बतूमी का प्लान करते हो ना तो एक बात का ख्याल रखें कि आप बतूमी एयरपोर्ट पर आए सीधा। टिकट का मुझे आइडिया नहीं क्योंकि मैं तो आया नहीं, मैं तो कुतुसी से आया हूँ, लेकिन अगर आप कुतुसी भी आते हैं तो कुतुसी से 150 किलोमीटर है सिर्फ बतूमी, तो तीन घंटे की बस राइड है, 3 घंटे में आप पहुँच जाओगे। तो ट्रिप तो आपने अपने हिसाब से प्लान करना है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि एक बार बतूमी ज़रूर आओ, और कम से कम 8-10 दिन का ट्रिप ज़रूर रखो, और इसके माउंटेन वगैरह जो आसपास में हैं उनको कवर करो। तो हम जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे क्या क्या होता है। मेरे ख्याल में तो इट विल बी अमेजिंग फॉर मी, ये पहली कंट्री है कि मैं ज़्यादा सिटीज में घूम रहा हूँ, वरना एक दो सिटी में ही ट्रिप का एंड हो जाता है। तो भाई ये देखो यहाँ भी दुकानें हैं पाकिस्तान की तरह ही, लोग बाहर सामान लगा के बैठे हुए हैं। ये भाई देखिए फ्रूट भेज रही हूँ, लोग यहाँ के भाई बड़े मेहनती हैं और मैन पावर बड़ी सस्ती है यहाँ पे। अगर वो बिज़नेस यहाँ करना चाहते हैं तो यहाँ पे बिज़नेस करना बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन कामयाब होता है कि नहीं होता इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैंने इस पर वर्कआउट नहीं किया, दिन बहुत थोड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ तो इन चीज़ों पर मैं फोकस नहीं कर पाऊँगा। तो फिर कोई ट्रिप आया तो उसमें मैं स्पेशली यही करने आऊँगा कि यहाँ की बिज़नेस सेटअप का क्या हिसाब किताब है, कौन कौन से बिज़नेसेस अच्छे हैं, इस चीज़ पे वर्कआउट करूँगा। यहाँ भाई IT के लोग बहुत घूमते हैं, हर बंदा रिमोट वर्कर है। यू हैव फलाफिल शोरमा, फलाफिल you will talk to her. Falafel. Shawarma, chicken. Not chicken, falafel you don't have? No, I will talk to her, Rashid. Rashid, you speak? Только курица, chicken only. Курица, по-русски знаешь? Да, да. Тео, русули эти сутхари. Да, ладно. Если шаурма без мяса с фалафелем? Без мяса хочешь? Ну, есть ли фалафел? Фалафели, да. It's a vegetarian шаурма. Tell her like that. Okay. Yalla. And even in Russia, it's not really popular. Yeah, yeah. It's actually a specially Arab Arabic dish, you know. So that's why. Okay. भाई इस कंट्री में कॉफ़ी बड़ी मुश्किल से मिलती है, हम 1 घंटे से कॉफ़ी ढूंढ रहे हैं, चलें देखते हैं।